नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास इलेवेंथ की हिंदी। क्लास इलेवेंथ की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा हिंदी व्याकरण का सेशन चल रहा है और हिंदी व्याकरण में हम समास पढ़ रहे हैं। और समास, मैंने आप लोगों को कहा, संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया है जिसको हम समास कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज को जब हम छोटे रूप करके लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, कम शब्दों में और एक व्यवस्थित तरीके से, एक अर्थपूर्ण तरीके से लिखते हैं, तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो हमने ये सारी चीजें अपने पिछले सेशन में पढ़ी थी, समास, समास की परिभाषा, सामासिक शब्द, उत्तर पद, पूर्व पद, समास विग्रह आदि। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आज के सेशन में। इसको, इसके भेदों को जानेंगे कि समास के कौन कौन से भेद होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सेशन है, तो आप रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था समास के भेद। तो समास के भेद में मैंने आप लोग को बताया था कि समास के छह भेद होते हैं, तत्पुरुष अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास। तो सभी की कुछ 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 न कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ न कुछ विशेषताएं सभी के अंतर्गत होती हैं और इन्हीं से इनके नाम भी रखे गए हैं। तो जैसे पहला जो भेद है अव्ययी भाव समास, और मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान होता है, से ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका जो जो सामासिक पद है वो भी अव्यय होता है, यानी कि जो सामासिक पद इसमें बनता है वो भी अव्यय होता है, अर्थात ये लिंग वचन कारक की वजह से नहीं बदलता। ये हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर पढ़ा था। और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिया पेट को भरकर, यानी भरपेट। तो हम एक एक करके समास के जो सारे भेद हैं, इन सभी भेदों को पढ़ेंगे और इन सभी भेदों को लिखेंगे, इनको परिभाषित करेंगे और फिर एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। परिभाषा, किसकी परिभाषा? अव्ययी भाव समास की परिभाषा। तो क्या होगी अव्ययी भाव समास की परिभाषा? देखिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय, और अव्यय के लिए मैंने आपको बताया अव्ययी शब्द को ही अविकारी शब्द कहा जाता है, और अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें जिनमें लिंग वचन कारक की वजह से जो नहीं बदलते, यानी कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। व्यय यानी कि जिसका कुछ भी खर्च नहीं होता है, ना तो लिंग के आधार पर, ना ही वचन के आधार पर, ना ही कारक के आधार पर, किसी के भी आधार पर नहीं। तो परिभाषा, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अर्थात यह लिंग वचन कारक, और इसका जो सामासिक पद होता है, इस अव्ययी भाव समास में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है कि इसका जो सामासिक शब्द होता है, इसका
तामसिक शब्द शब्द या सामासिक पद भी आप कह सकते हैं, जो सामासिक शब्द बनता है, जो सामासिक पद बनता है भी अव्यय होता है, होता है। ठीक है, इसका जो सामासिक शब्द बनता है, इसका जो समस्त पद बनता है, वह भी अव्यय होता है। तो इस तरह से हमने अव्यय की परिभाषा लिखी, अव्ययी भाव की परिभाषा लिखी, और अब हम कुछ एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। तो उदाहरण के तौर पर, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था कि भर पेट, इसका आप देखेंगे कि जो पूर्व पद होगा वो हमेशा प्रधान पद होगा और पूर्व पद ही अव्यय होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया था भर पेट, दूसरा एग्जाम्पल है आजीवन, आ जीवन, तो इसको हम कैसे समझेंगे, जीवन भर। एक और यथा शीघ्र, यथा शीघ्र यानी कि जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके, ये क्या है आपके सामासिक शब्द है, और ये है आपके जो समास विग्रह है, आप जिसको जिस तरह से करेंगे। तो इसी तरह से हम और भी यहाँ पर वाक्य शब्द लेंगे। देखिए, बीच बीच ही, बीच में का सामासिक शब्द होगा बीचों बीच। इसी तरह प्रत्येक मास का सामासिक शब्द होगा प्रति मास, और अगला एग्जाम्पल लेंगे जन्म से लेकर, जन्म से लेकर क्या बनेगा, आ जन्म, बिना मन के क्या बनेगा, बेमन। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं कहूं जितना संभव हो सके तो क्या कहेंगे, यथा संभव। यथा संभव यानी कि जितना संभव हो सके। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम समास की प्रक्रिया के बाद इस तरह के सामासिक शब्द हम बनाते हैं। और यहाँ पर हमने कहा कि इसमें जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है और प्रधान पद होता है। प्रथम पद बीचों बीच, बीचों यानी कि बीच ही बीच में, बीचों बीच प्रति मास, तो आप देख रहे हैं बीचों प्रति आ बे यथा, तो ये सारे शब्द क्या है, आपके प्रधान शब्द है, और ये जो नए शब्द बने हुए हैं ये भी आपके अव्यय ही है।
प्रधान तो है ही, प्रथम पद प्रधान है और इसमें जो नया ये सब पद बना हुआ है ये भी आपका अव्यय है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसमें क्या जाना कि प्रथम पद हमेशा अव्यय होता है, प्रथम पद हमेशा प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, और इस समास की प्रक्रिया के दौरान जो शब्द बनता है उसमें बना हुआ सामासिक शब्द भी अव्यय होता है। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास नंबर दो, तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष समास? देखिए तत्पुरुष, हमने पहले वाले में कहा कि पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, और इसमें तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो बाद का पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो जो उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है वो प्रधान पद होता है। तत्पुरुष समास में जो बाद का पद होता है, दूसरा वाला जो पद होता है, ये आपका प्रधान पद होता है। और तत्पुरुष समास में जो दोनों बीच में विभक्ति लगी रहती है, यानी कि बीच में आने वाले जो विभक्ति चिन्ह होते हैं या जो भी बीच में विभक्ति लगी रहती है उनका लोप हो जाता है, या आप कह सकते हैं बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। तो सबसे पहले इस तरह से आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति चिन्हों, जो विभक्ति चिन्ह दोनों पदों के बीच लगे हुए होते हैं का लोप हो जाता है। और कैसे समझेंगे आप? देखिए सबसे मेन चीज क्या आ रही है, सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। जैसे आपने अव्ययी भाव समास देखा, उसमें जो नया पद बनेगा वो भी आपका अव्यय होगा, और इसमें क्या होगा तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा, जो भी विभक्ति इसमें लगी होगी बीच में उनका लोप हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहां पर कहूं पूर्व पद उत्तर पद और समस्त पद, या सामासिक शब्द भी कह सकते हैं, पूर्व पद देश, उत्तर पद भक्ति, आपके विभक्ति चिन्ह है के लिए, देश के लिए भक्ति देश भक्ति। बिल्कुल इसी तरह नीति में निपुण, क्या कहेंगे, नीति निपुण। बिल्कुल आगे शरण में आगत, शरण
मैं आगत, क्या शब्द बनेगा? शरणागत। शरण में आगत, शरणागत। लाखों का पति, का क्या शब्द बनेगा? लख पति। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या बताया, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। नीति, मैं, निपुण, नीति, निपुण, निपुण है किसी कार्य में। शरण में आगत यानी कि शरण में आया हुआ। लख पति, लाखों का जो है पति। आपका उत्तर पद प्रधान है यानी कि बाद का पद प्रधान है, और क्या है जो बीच में आए हुए कारक चिन्ह है, बीच में आए हुए जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप हो चुका है। जो परसर्ग बीच में प्रयोग किए गए थे जैसे नीति में निपुण, शरण में आगत, लाखों का पति, देश के लिए भक्ति, बिल्कुल इसी तरह विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तो इस तरह से तत्पुरुष समास को हमने एग्जांपल्स के साथ पढ़ा, और यहाँ पर तत्पुरुष समास को भी हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि इनमें हमने क्या देखा कि इनमें हमेशा उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद प्रधान नहीं है, और हमने देखा कि किस तरह से विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया है, कारक चिन्हों का लोप हो गया है। तो अब हम यहाँ पर तत्पुरुष समास के कुछ भेद है, यानी कि जब आप विभक्ति चिन्हों को का लोप जब होता है, परसर्गों का जब लोप जब होता है, तो इसी के अनुसार तत्पुरुष समास के और भी भेद बताए गए हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के भेदों को हम इस प्रकार से समझेंगे। देखिए, आपने यहाँ पर उदाहरण, अलग अलग टाइप के उदाहरण आपने देखे, अलग अलग आपने परसर्ग देखे, जैसे देश के लिए भक्ति में आपने देश की ओर नहीं भक्ति की ओर संकेत किया, बल्कि नीति निपुण में आपने नीति की ओर नहीं जबकि निपुण की ओर संकेत किया, शरण में आगत। तो आप देखते कि अलग अलग तरह के आपने यहाँ पर विभक्ति चिन्ह प्रयोग किए हैं, विभक्त अलग अलग तरह के कारक चिन्ह आपने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। तो देखिए, इन्हीं बीच में आने वाले जो परसर्ग है, बीच में आने वाली जो ये विभक्तियां हैं, इनके अनुसार बीच में आने वाली विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं, यानी कि ये जो विभक्ति चिन्ह बीच में आए, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के कारण तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। कौन कौन से छह भेद होते हैं, इन्हें भी हम एक बार जान लेते हैं, इन्हें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला भेद आपका है कर्म तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास का उपभेद है कर्म तत्पुरुष।
कर्म तत्पुरुष। तो देखिए कर्म तत्पुरुष जो है इसमें क्या होता है, हमेशा जो विभक्ति चिन्ह होते हैं यानी कि जो कारक कर्म कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं जैसे को का लोप हो जाता है। एक पंक्ति में लिखेंगे इसमें कर्म कारक के विभक्त चिन्ह को का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह विभक्ति चिन्ह किसका को का लोप हो जाता है। यानी कि जिस तरह के विभक्ति चिन्हों का लोप होगा उसी के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो जैसे कि मैंने कहा जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष, तो कर्म कारक चिन्ह जो है को इसका लोप हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, क्या लिखेंगे ग्राम गत। बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे कीट को नष्ट करने वाला कीट को नष्ट करने वाला यानी कि कीट नाशक। नेक्स्ट परलोक को गमन अर्थात परलोक गमन। बिल्कुल वन को गमन अर्थात वन गमन, तो आप यहां पर देख रहे हैं जो भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं जैसे ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, कीट को नष्ट करने वाला कीटनाशक, परलोक को गमन परलोक गमन, वन को गमन वन गमन। तो यहाँ पर को जो कारक चिन्ह है इसका लोप हो गया है आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। यानी कि कर्म तत्पुरुष है तो कर्म कारक चिन्ह जो है को उसका लोप हो जाएगा। जैसे ग्राम को गया हुआ, यहाँ पर को शब्द जो है वो कर्म कारक चिन्ह है। कीट को नष्ट करने वाला, परलोक को गमन, वन को गमन। तो इस तरह से कर्म कारक जो कर्म तत्पुरुष जो होता है उसमें कर्म कारक चिन्ह का जो विभक्ति चिन्ह है को इसका लोप हो जाता है। नेक्स्ट करण तत्पुरुष, इसका दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। उसमें कर्म कारक चिन्ह है, इसमें करण कारक चिन्ह। तो करण कारक चिन्ह क्या है इसको लिख लेते हैं, इसमें करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति
से के द्वारा, से तथा के द्वारा, करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा, के द्वारा का लोप हो जाता है। इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप हो जाता है। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मन से चाही, क्या इसका सामासिक शब्द बनेगा? मन चाही। हमारा से जो करण कारक चिन्ह था उसका लोप यहां पर हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत। तो इसको हम लिखेंगे तुलसी कृत। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो करण कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है। नेक्स्ट, मुख से मांगा हुआ, मुख से मांगा हुआ, तो क्या होगा? मुख मांगा, मुख मांगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो हमारा करण कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया है। से या के द्वारा या द्वारा, जो भी शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह के शब्दों में जो करण कारक चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तो जहां पर भी आप इस तरह, आपको याद रखने के लिए सबसे पहले क्या चीजें देखनी है, आप देखेंगे अगर आपको कहा जाता है कि इनका समास विग्रह करो, तो मन चाही कैसे आपको याद आएगा कि इसमें कौन सा समास है, या समास विग्रह आप बहुत इजीली से कर सकते हैं अगर आपको पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहले आपने समास विग्रह करके देखना है। जैसे अगर आपको शब्द दिया गया है कीटनाशक, तो कीटनाशक शब्द में आपको उसका समास विग्रह करना है, आपने देखना है कि क्या इसका शब्द बनता है, तो कीटों को नष्ट करने वाला या कीट को नष्ट करने वाला। तो को शब्द जो है वो आपका कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है। तो आप जब समास विग्रह करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पर कौन सा समास यहाँ पर है। बिल्कुल ठीक उसी तरह अगर आपको एग्जाम में आता है तुलसी कृत और आपको कहते हैं कि यहाँ पर बताइए कौन सा समास है, तो आप कैसे बताएंगे? आप सबसे पहले उसका समास विग्रह करेंगे, यानी कि आप लिखेंगे तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत। आप ऐसे नहीं लिखेंगे तुलसी से तुलसी, आप तुलसी को कृत, तुलसी के लिए कृत, आप ऐसा नहीं लिखेंगे। आप या तो लिखेंगे तुलसी से कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो तुलसी कृत, आपको पता चल गया कि इसमें करण तत्पुरुष समास है। बिल्कुल नेक्स्ट जो हमारा है वो है संप्रदान तत्पुरुष, नंबर थ्री है। तत्पुरुष समास का थर्ड है हमारा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। पहले कर्म कारक चिन्ह था को, फिर करण कारक चिन्ह था से और के द्वारा, अब हमारा संप्रदान कारक चिन्ह की जो विभक्ति है वो है के लिए, के लिए। तो अब आप
इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं और एग्जाम्पल्स इस तरह के, जब से हमने समास को पढ़ना शुरू किया है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप संप्रदान कारक चिन्ह का आप परिभाषा लिखेंगे और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लिखेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चों आज हमने समास के दो भेदों को यानी कि अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास को हमने पढ़ा और तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया कि करण कारक चिन्हों की जो ये विभक्ति इसमें लगी रहती है इसके आधार पर इसको 6 उपभेदों में बांटा गया है। तो इसके 6 उपभेदों को भी हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर आप एक बार समझ लेते हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन सी विभक्ति कौन से कारक चिन्ह की है, तो उससे आपको आसानी से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।